नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा में। और आपको बता दें कि इटौरा का मेरे साथ रोहित भगौर जो कि आर्म रेसलिंग है, और आपको बता दें इन्होंने अभी कानपुर में अभी हाल ही में हुई प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर ये अपने घर वापस पहुंचे हैं। और घर वापस पहुंचने पर देखिए किस प्रकार ग्रामीणों ने फूल मालाओं से इनका जोरदार स्वागत किया है। तो हम जानना चाहेंगे रोहित से कि किस प्रकार उन्होंने कहां रेसलिंग में भाग लिया और किस प्रकार की प्रतियोगिता थी और आगे वो क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ। ये जो कॉम्पिटिशन में खेल के आया हूँ, ये कानपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ने करवाया था। ये कानपुर में एक जगह है श्याम नगर, ये वहाँ हुआ था। वहाँ काफ़ी शहरों से काफ़ी लोग 40-50 तकरीबन लोग आए थे। वहाँ मैंने 90 kg में अपना खेला था और मैंने 90 kg में गोल्ड लिया, उसके बावजूद मैंने ओवरऑल चैम्पियनशिप भी जीती। अच्छा, हम जानना चाहेंगे ये आपको इस खेल के प्रति किस प्रकार आपके प्रति आकर्षण हुए, क्या था ये, मन में कैसे आया इस खेल को लेकर? जैसे कि मैं पिछले 4-5 साल से जिम कर रहा हूँ, मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान है और मुझे जिम करना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कानपुर में जब जिम कर रहा था, वहाँ मेरे एक जिम ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बताया कि कानपुर में आर्म रेसलिंग हो रहा है, अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं करके देख लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा काफ़ी खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे, काफ़ी रोमांचक खेल चल रहा था। मैंने पार्टिसिपेट किया एंड मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं गोल्ड लेकर आया अपने शहर के लिए। अच्छा, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये जीत का श्रेय मैं अपने बड़े भाई सुनील सोनू चौधरी को देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मेरे स्पोर्ट्स के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। आगे किस प्रकार की तैयारी है? आगे मैं अभी स्पोर्ट्स को अपने कंटिन्यू रखूंगा, मैं चाहूँगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लेके आऊँ। और क्या क्या किस प्रकार कहाँ कहाँ खेले उसके अलावा? इसके अलावा मैंने पिछले साल भी आर्म रेसलिंग खेला था, जिसमें मैं ओवरऑल चैंपियन रहा हूँ। एंड मैंने कानपुर पावर लिफ्टिंग भी खेला है, जिसमें मेरा सिल्वर आया था। और मैंने अपने स्पोर्ट्स कॉलेज में भी काफ़ी स्पोर्ट्स खेले हैं। मैंने इस साल अपने कॉलेज स्पोर्ट्स में 3 गोल्ड 2 ट्रॉफी हासिल की थी। आज आप गाँव पहुँचे, आपका जिस प्रकार से स्वागत सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है? जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा, मेरे गांव के गाँव वासियों ने, मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने काफ़ी अच्छा फूल पहना के स्वागत किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेट किया उन लोगों ने मुझे। क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग भी स्पोर्ट्स खेलें, और स्पोर्ट्स हमारे दिमाग के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप स्पोर्ट जरूर खेलें। सुनील सिंह, सुनील भाई, किस प्रकार का ये आयोजन चल रहा? ये आयोजन चल रहा है मेरे छोटे भाई की जीत की खुशी में। मेरा छोटा भाई कानपुर आर्मलेस का कॉम्पिटिशन जीत कर आया है। क्या कहना चाहते हो छोटे भाई के लिए? छोटे भाई के लिए यही कहना चाहूँगा, छोटे भाई ने बड़ी मेहनत की है और मेहनत का उसे फल मिला है। और क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? युवाओं के यही कहना चाहूँगा मैं युवाओं से कि वो लोग भी खेल के प्रति आगे बढ़े, खेल को और सम्मानों को उससे देखें उसे। तो आपने जाना, ये थे रोहित सिंह भगौर, जिन्होंने बताया है कि पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को खेल कूद के मैदान में, खेल कूद में भी किस्मत आजमानी चाहिए, खेल कूदों में भी भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमें खेल कूदों में जहाँ कैरियर बनाने का अवसर मिलता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि अपना स्वास्थ्य भी यानी फिटनेस बनी रहती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।